अरे ये क्या, तो इसके लिए टीचर और ये दिया था, बड़ी कैसे हो गई? स्टूडेंट किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। मुझे तो अपनी इंडियन बाइक ड्राइव 3D की सिटी को नुकसान पहुंचा रही है। अरे ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, आज तो मौसम भी बड़ा ठंडा है और पानी भी ठंडा है, इतना मजा आ रहा है ना नहाने में, क्या बताऊं यार, दिल गार्डन गार्डन हो गया है मेरा तो। अरे मेरे दोस्त की कॉल क्यों आ रही है? रुको पहले पानी से बाहर निकल जाता हूँ, फिर पानी से बाहर निकल के इसका कॉल उठाऊंगा। सुबह सुबह क्यों कॉल कर रहा है ये? हेलो, हाँ भाई बोल। अरे भाई कहाँ है तू, न्यूज देखी तूने? अरे घर पे हूँ भाई, नहा रहा हूँ स्विमिंग पूल में। अरे भाई जल्दी से न्यूज देख। अरे रुक जा, जाता हूँ अभी। क्या हो गया भाई इसको, सुबह सुबह कॉल करके न्यूज देख रहा हूँ, क्यों बोल रहा है? चलो जल्दी जाकर देख ही लेता हूँ। अपनी सिटी पर अटैक कर दिया है जायंट स्केरी टीचर ने, और इसने तो पूरी सिटी में तबाही मचा कर रखी है, और इसका तो पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे, इसलिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, धन्यवाद। अबे भाई ये क्या हो रहा है अपनी सिटी में यार, इसलिए मेरे दोस्तों ने कहा था न्यूज देखने के लिए, और इस टीचर को तो जानता हूं मैं, इसी ने पढ़ाया हमको बचपन में, अब क्या करूं, अपने दोस्तों को कॉल करता हूं जल्दी से। भाई देख ली मैंने न्यूज, ये सब क्या चल रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई ये वही टीचर है जो हमको बचपन में पढ़ाया करती थी, और ये पता नहीं कहां से आ गई जायंट होकर, ये हमको परेशान किया करती थी और अभी भी हमको शायद मारने आ गई है, तो क्या भाई हम अब? एक काम कर भाई, तू जल्दी से मेरे पास आ जा। ठीक है भाई निकलता हूँ मैं अभी, जल्दी से अपनी फॉर्च्यूनर लेके जाना पड़ेगा मेरे दोस्त के पास। पता नहीं यार ये स्केरी टीचर कहाँ से आ गई, बचपन में जब हमको पढ़ाते थे ना तो बहुत मारती यार, लेकिन तब ये इतनी बड़ी नहीं थी यार, तब तो नॉर्मल इंसानों की तरह दिखती थी, अब इतनी बड़ी कैसे हो गई है? और अब मैं आ गया अपने दोस्त के पास, जल्दी से अपनी फॉर्च्यूनर नीचे उतर के इससे बात करता हूँ। हाँ भाई बोल, क्या बोल रहा था? अरे भाई तेरे को पता है ना, ये भी टीचर है जो हमको बचपन में पढ़ाती थी और बहुत गंदा मारती थी। हाँ भाई पता है मेरे को, हम भी तो इसे बचपन में बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। हाँ भाई लेकिन पता नहीं अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई, ये हमको मारने आई है। क्या भाई क्या बात कर रहा है यार तू? हाँ भाई इसने मेरी ऑफिस की बिल्डिंग पर हमला किया और एक ही बार में पूरी बिल्डिंग गिरा दी, और मैं सीधे से अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाया हूँ, और अब ये तेरे पीछे पड़ी है। अरे भाई अब क्या करूँ मैं, अपनी जान कैसे बचाऊँ इससे? अरे भाई तू डर मत, मेरे पास एक ऐसा सूट है जिसकी मदद से तू इसको हरा सकता है, वो है हल्क बस्टर सूट। तो भाई कहाँ पर है वो सूट? अरे भाई मैं तेरे मोबाइल पर वो मैप भेज रहा हूँ, उस मैप में जो लोकेशन है वहाँ पर तू जाएगा, तेरे को वहाँ पर एक चैलेंज देखने को मिलेगा, जैसे ही उस चैलेंज को कम्प्लीट कर लेगा तेरे को वहाँ पर हल्क बस्टर मिल जाएगा। ठीक है भाई जल्दी भेज। मेरे दोस्त ने मुझे मेरे मोबाइल पर वो मैप भेज दिया है, और ये वाली लोकेशन है जहाँ पर हमें जाना है, इसलिए बिना किसी देरी के अपनी फॉर्च्यूनर में बैठते हैं और सीधे निकल जाते हैं उसी तरफ। A few moments later. और मैं आ चुका हूँ चैलेंज वाली लोकेशन पे, हमको ये चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा, और मैं अपनी गाड़ी आगे नहीं ले जा सकता, शायद मुझे यहीं पे खड़ी करनी होगी, इससे आगे शायद मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा, और देख के ही लग रहा है भाई बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा मेरे को, दिखने में तो इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। ये एक कंटेनर चढ़ गया हूँ मैं, अब मेरे को ऐसे भाई कितने कंटेनर है, ये तो 4-5 कंटेनर है, कैसे चढ़ूंगा इन पे, थक जाऊंगा मैं तो, और टाइम भी बहुत लगेगा, इसलिए मैं जल्दी से चढ़ता हूँ। और ये बच्चा सिर्फ लास्ट वाला है, और ये आ गया मैं इसके ऊपर, बिना गिरे मैं इतना ऊपर तो आ चुका हूँ, और यहाँ पर एक रैंप है जिसको हमें पैदल ही चलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई भी गाड़ी नहीं है, और मेरे को लग रहा है स्टंट बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और ये क्या, मेरे को सामने जो है वो थार देखने को मिल रही है, आपको भी दिखाता हूँ मैं, थार वो रही सामने खड़ी है, मॉडिफाइड थार है शायद तक, लेकिन ये क्या बना रखा है भाई इन्होंने, भाई ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ से सीधे दौड़ के निकलने वाला हूँ, गिरू ना बस ये, और ये हो गया कम्प्लीट। अरे भाई गिर गया, कोई बात नहीं भाई, गिरा तो ऊपर ही गिरा, नीचे गिरता तो मेरे को फिर से शुरू करना पड़ता, और इससे आगे हमें शायद थार जाना है, जल्दी से अपनी थार में बैठ जाते हैं। और ये थार तो बहुत ज्यादा फास्ट लग रही है यार, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने पे इतनी तेज चल रही है ना ये, नीचे ना गिर जाऊं बस मैं इस थार के चक्कर में। और ये यहाँ पर हमने ये वाला रैंप भी चढ़ा लिया है, और यहाँ से हमको जंप करवानी है शायद, छोटी सी आराम से जंप करवाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, बच गई भाई, नीचे गिर जाता अभी तो। और हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, और सामने हमको ये डिफिकल्ट बना रखा है इन्होंने, इसके ऊपर कैसे ले जाऊंगा अपनी थार को, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लेके चलते हैं इसको। तो ये मॉडिफाई वाली थार है ना, एक तो स्पीड भी ऐसी पकड़ रही है ना कि एक ही बार मैं पीछे कर रहा हूँ तो इतनी पीछे जा रही है कि नीचे गिर जाऊं, और आराम से लेना पड़ेगा इसको भाई, वरना फस फस गई ना, इधर अटक जाएगी ये गाड़ी। डर लग रहा है भाई, इतना ज्यादा डिफिकल्ट किसने बना दिया, आराम से लेना पड़ेगा भाई। टायर नीचे चला गया, आ गया भाई ऊपर आ गया, टायर नीचे चला गया था वो, फिर से गया भाई नीचे गया भाई, थोड़ी सी आराम से ले लेता हूँ इसको, नीचे गिर जाए। नहीं नहीं नहीं, बच गई बच गई। और अब मेरे को लग रहा है सामने जो हमें जंप करवानी है, इसलिए इसको फुल स्पीड में लेकर चलता हूँ। और ये यहाँ पर जंप करा दी हमने, बहुत ही प्यारी सी जंप करवाई है हमने, और ये हो गए लैंड। भाई साहब मैं ना एकदम प्रो ड्राइवर हूँ। चलो अब सामने की तरफ चलते हैं, सामने की तरफ हमें उस वाले रैंप पर चलना है। ये सब कुछ हिल क्यों रहा है? अरे ये तो वही स्केरी टीचर है, ये तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ चुकी है, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रही है यार। अरे ये तो यहाँ तक आ गई यार, मेरे को जल्दी से भागना पड़ेगा यहाँ से, जल्दी से थार के अंदर बैठता हूँ, निकलना पड़ेगा यहाँ से, वरना ये मेरे को मार डालेगी यार। मैं भगाने वाला हूँ अपनी थार को पुलिस में, मेरे को नहीं पता भाई वो मेरे पीछे लग चुकी है यार, अब क्या करूं मैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं इसको पार करने वाला हूं यार। और यहां से मैंने पुलिस स्पीड भगा दी, और ये आ गया हूं मैं, बाल बाल गिरते गिरते बचते हुए यहां तक आ चुका हूं भाई, मैं तो जल्दी से निकलने वाला हूं यार, वो टीचर मेरे पीछे ही पड़ी हुई है यार अभी। और ये वाला रैंप भी बड़ा आराम से चढ़ा लूंगा मैं, चाहता
हूँ जितनी ज्यादा स्पीड हो सके ना उतनी ज्यादा स्पीड से मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। और वो देखो तुमको दिख रही है सिक्योरिटी टीचर, रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, वो देखो वहाँ पर खड़ी है, वो मेरे पास आई, इससे पहले मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से। मैं इतना घबरा रहा हूँ ना भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं जैसे अपनी थार को आगे ले जाता जा रहा हूँ यार। और यहाँ से रैंप कंप्लीट करवा लिया, अब यहाँ पे तो जंप थी भाई, मैंने ध्यान ही नहीं रखा यार यहाँ पे जंप पे। अच्छा वो मेरी थार की स्पीड अच्छी खासी थी इसलिए मैं गिरा नहीं और मैं यहाँ तक आ चुका हूँ अब। और ये वाला रैंप भी क्रॉस करके हम सीधे आ चुके हैं यहाँ पर। ये सीढ़ियाँ कैसे बना रखी है, शायद इसके ऊपर अपनी थार को ले जाना पड़ेगा हमको। और यहाँ पर हमारे पास थार इसलिए हम आसानी से ना कहीं भी जा पा रहे हैं, वरना ये वाली थार नहीं होती ना हम कहीं भी नहीं चढ़ पाते। मानना पड़ेगा थार बड़ी पावरफुल गाड़ी है यार, हमको शायद इस कंटेनर के ऊपर जाना है अब। और यहाँ तक तो आ गया हूँ मैं, अब पीछे उतर कर देख लेता हूँ कहीं सिक्योरिटी टीचर मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ रही है ना। वो रही वहाँ पर खड़ी है सिक्योरिटी टीचर, मेरे पास थार है ना इसलिए मैं आसानी से आ पाया, लेकिन वो धीरे धीरे आ रही है शायद। मुझे जल्दी से कम्प्लीट करना पड़ेगा यार, बस थोड़ा सा ही और बचा है शायद मेरे हिसाब से। और बस हम पहुँचने वाले हैं, और ये वाला भी हमने कर लिया कम्प्लीट। और अब बस ये वाला कंटेनर हम जैसे ही कम्प्लीट करेंगे हमको मिल जाएगा हल्क बस्टर का सूट। और अब लेता हूँ यहाँ से सीधे ऊपर, और ये आ गया मैं। और ये रहा भाई साहब वो हल्क बस्टर का सूट जो मेरी जान बचाएगा, मैं जल्दी से इसको पहन लेता हूँ। अब कहाँ है वो स्केरी टीचर, अब मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, उसको ढूंढूंगा और उसको मारूंगा अब। स्केरी टीचर तूने ऐसा ही नहीं किया मेरी सिटी को नुकसान पहुंचाकर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारूंगी एक फटका, ये ले। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले मेरी लात खा। फाइनली मैंने अपनी सिटी को बचा लिया और अपनी जान भी बचा ली है साथ ही साथ। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपने जो कुछ भी वीडियो में देखा वो सब ग्रीन स्क्रीन मदद से एडिट किया हुआ है, इसलिए इसको ज्यादा से जल्दी मत लेना। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।